जी जय कृष्णा। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, आपके पास जो है वेस्ट धागा होगा, क्या इस तरह का कलरफुल? तो मेरे पास इस तरह का है, काफ़ी है बचा हुआ। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो है मिनी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर 26, 28, 30 तक फंदे लगा सकते हैं, ठीक है। और करना क्या है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। जब इसका स्टार्टिंग का जो होगा उसे हाफ यानी कि बराबर करके जो है स्टिच कर लेना है, ठीक है। और हमारे पास जो है यदि फाइबर है तो फाइबर का इस्तेमाल करना। मैं फाइबर को दिखा लेती हूँ आपको, इस तरह का फाइबर आपने यूज़ करना है। इस फाइबर का ये रहता है कि इसे अगर हम धोते हैं ना, ठीक है, ये जल्दी सूखती है, ठीक है ना, ये भारी होती है, हल्की की हल्की होती है, ठीक है। तो चलिए इसे यूज़ करना है आपने। और करना क्या है पहले देखिए भाई, आपने यहाँ पर इधर वाले साइड के फंदे, यहाँ वाले का फंदा राइट हैंड साइड का, ठीक है, एंड इधर का पहले थोड़ा सा स्टिच कर लीजिए। फिर इसमें फाइबर साथ साथ नीट करते जाइए, साथ साथ फाइबर जो है आप इसमें जो भरते हुए जाइए, फिर मैं आपको स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से आपने जो फाइबर है ना वो आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, इस तरह से सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। देखिए साथ साथ स्टिच भी कर रही हूँ ना मैं, ठीक है, और फिर फाइबर भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए जाना है, इस तरह से, है ना। तो चलिए बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ करना। इस तरह से ये मैंने बना दिया है, ठीक है, जितना बड़ा बनाना आप बना सकते हो। करना क्या है भाई, मैंने यहाँ पर इस तरह से पहले यहाँ नीडल्स को इस तरह से अंदर से पास करना है मैंने, ठीक है, है ना, और इसे कस लेना है, ठीक है, और इसे इस तरह से पिनअप कर लो पहले आप, ठीक है। इस तरह से आपने गुलाई में से टर्न करते रहना है, घुमाते रहना है, ठीक है। पक्का करना है ज़्यादा ही, तब आपने 1 से 2 स्टेप को फॉलो करना है, इस तरह से, ठीक है। देन फिर आपने इस तरह से ऊपर आ जाइए और ऊपर आके फिर आप नीचे की ओर जाना है, ठीक है। आपने कम से कम 2-2.5 इंच की दूरी में इस तरह से नीडल्स को निकालते हुए जाना है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर दोबारा से इस तरह से करते हुए जाइए और इस तरह। ये स्टूडेंट्स, इस तरह से ब्यूटीफुल डोरमेट इज़ रेडी। आप चाहो तो जितना बड़ा बनाना है बना सकते हो। और मैंने तो 2 कलर यूज़ किए हैं, आप 5, 7 जितने भी कलर यूज़ करने ना कर लीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू।